हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल की बात। सो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है 12। सो आज जैसे संडे है तो हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे एंड सुबह ब्रेकफास्ट हो गया था। सुबह हमने ब्रेड खाया, थोड़ा लाइट नाश्ता किया एंड लाइक सुबह थोड़ा लाइट हमने ब्रेकफास्ट किया। एंड आज संडे है इसलिए थोड़ा सा मटन बन रहा है हमारे घर पे, क्योंकि मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि संडे को थोड़ा अच्छा खाना पीना हो। सो अभी तो ऐसे भी हम लोग बहुत ज्यादा खाना मतलब चावल वावल नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं हम लोग बेसिकली, लेकिन आज संडे है तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा चावल खा लेते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि आज स्पेशल ये है कि मैं खाना बना रहा हूँ। सो आज रिया को मैंने थोड़ा सा ऑफ दिया है खाना बनाने से दोपहर को, तो मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ एंड उसने मुझे रेसिपी बता दिया है, तो लेट्स सी कि कैसा खाना बनता है एंड कैसा मटन बनता है। एंड ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने प्याज काट लिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा हाफ प्याज और था इसको मैं अभी चॉप कर रहा हूँ। एंड इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं जो लास्ट टाइम रिया ने बनाया था, जो मसाले उसने डाले थे, हल्दी, नमक एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी इसमें है। एंड वो जो मसाले डाली थी उसने मुझे बता दिया था, तो वही मसाला मैंने डाल के इसको मैरिनेट कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा प्याज डाल दे रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ। ये जैसे मैंने मिक्स कर दिया आप देख सकते हो, और इसको मैं 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में डाल दूंगा और उसके बाद फिर हम मटन बनाएंगे। सो जैसे कल के वीडियो में मेरी एक स्कूल फ्रेंड्स ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा वो कमेंट सुन के कि उसने कमेंट किया है, उनसे बहुत दिन हो गया है बातें नहीं हुई है, सो उनको ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, मेरे प्रीवियस कलीग्स हैं, मैं जब बैंगलोर में था वहाँ के कुछ फ्रेंड्स हैं, वो भी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, हमें बताते हैं कि आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा है। हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये ब्लॉग इतना अच्छा होगा या हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ब्लॉग पे। तो मैं मतलब दिल से मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग को मैं ब्लॉग आप लोग को ब्लॉग मेरा अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने मटन डाल दिया है 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, वो भी अभी नहाने के लिए गई है, दिया भी नहाने के लिए गई है। एंड मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टीवी चला लेता हूँ और देखता हूँ टीवी में क्या हो रहा है। आज सौरभ का बनाया हुआ आने को मिल रहा है हमें, मतलब बहुत कम मिलता है लेकिन अच्छा ही लग रहा है, शायद अच्छा ही बनेगा। इसे दिखाती हूँ, ये देखिए कलर तो अच्छा आया है, दिखने में भी अच्छा है और मेरी रेसिपी है तो ऑब्वियसली शायद खाने में भी अच्छा होगा ना। वैसे बहुत लेट हो गया क्योंकि इसको आदत नहीं है ना इतना खाना वाना बनाने का, देखो तो इसको एक्चुअली इतना आदत नहीं है ना खाना बनाने का, तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया इसमें किचन में। पता नहीं उसको आज क्या मूड हुआ, खुद ही बोल रहा था कि आज मैं आज खाना बना लूँ, तो मैंने बोला कि मटन है जो थोड़ा सा वही आज को बनाना है, तो तुम मटन बना पाओगे? उसने बोला ट्राई करते, तुम मुझे रेसिपी बता दो, मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है फिर ट्राई करो। तो और कुछ नहीं, बस मटन और चावल ही बना यार, और कोई एक्स्ट्रा सब्जी दाल वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ मटन और चावल। और मैं सुबह से नहा धा के पूजा वगैरह करके थोड़ा बहुत घर का काम करने के बाद मैं रेस्ट कर रही थी, और सौरभ आज पूरा खाना बनाया, मतलब सोचो हाउ लकी आया। फ़ोन कॉल आ गया है तो इसीलिए हमें थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा मुझे और सौरभ को। तो आज का ब्लॉग रात तक कंटिन्यू करने का मन था लेकिन लग नहीं रहा है कि और कंटिन्यू कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है, तो अभी इमीडिएटली जाना पड़ेगा एक जगह पे।
तो इसलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन मतलब कल ही मिलते हैं, कल रक्षाबंधन है तो कल ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए और बहुत खुश रहिए। ठीक है, गुड बाय।